इमाम कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है। हम ना हैप्पी बर्थडे टू यू करो। हम ना वही तो 36 साल की हो गई है। हम ना आप ही दो। अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो तुम सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी जी मैंने काफी क्लिप शूट किए, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आज जी मुकद्दस की हम बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, क्योंकि 11 से कह रहे हैं कि मुकद्दस के एग्जाम शुरू हो रहे हैं और 12 को मुकद्दस की बर्थडे होती है, तो इसीलिए फ्राइडे हमने आज का दिन सेलेक्ट किया है। एक तो इसके बाबा घर होते हैं और दूसरा फिर ये होगा कि 3-4 दिन ना जरा अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस करेगी और फिर आगे से उसके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब बस यही है कि साथ साथ में जो क्लिप शूट करती जाती हूँ आपके साथ जी शेयर करती जाती हूँ। केक वगैरह भी अभी लेने के लिए जाना है, जहाँ पे जो क्लिप शूट करूंगी आपके साथ जी शेयर करूंगी। तो जी आपने वीडियो में मेरे साथ रहना है। ये आमिना, ये इब्राहिम क्या कर रहे हैं? कुकीज खा रहे हैं। वो क्या लगा हुआ? ये क्या है? बेल। ये जी इब्राहिम और आमना इधर बैठ के कुकीज और चॉकलेट वगैरह खा रहे हैं, केक वगैरह। अम्मी तस्वीर पा रही हैं और फिशी खेल रही हैं। हाँ, आजकल जी छुट्टियां चल रही हैं और थोड़ी सी ये आसानी होती है, बच्चे सुबह नींद पूरी करके उठते हैं ना, एक दफ़ा नाश्ता किया और उसके बाद इनको शावर दे के ना, तो मैंने इनको तैयार कर लिया था, क्योंकि मेरा ना फिर समझे कि आधा काम ख़त्म हो जाता है। बस आमना इब्राहिम यहाँ पे खेल रहे हैं, अम्मी साथ में बैठी हैं, मुकद्दस बस कभी मेरे साथ क्लिप शूट करवा रही थी और साथ साथ में ना वो मतलब कि उसने सुबह क्लास भी ली थी, आज फ्राइडे था और उसकी ना हाफ डे था। और किचन में भी जी खाने पकाने का काम चल रहा है, कोई चीज़ मैंने बाहर से नहीं थी मंगवानी, मैंने कहा था मैं खुद घर पे ना हर चीज़ खाना प्रॉपर बनाऊंगी घर पे बनाऊंगी। ठीक है, ये जी बोनलेस हांडी बनाने जा रही हूँ और साथ ही में बिरयानी बनने जा रही है, ऑयल डाल रही हूँ, मैंने कहा साथ ही में बिरयानी बना लेती हूँ क्योंकि बच्चियाँ बिरयानी ज़्यादा पसंद करती हैं। और ये जी वाइट सॉस पास्ता बनाना है और ये पास्ता भी बॉईल कर लिया था। सारी पहले चीज़ें मैं रेडी करके रख लेती हूँ, फिर आप यकीन करें कि आधा घंटा बिरयानी बनाने में नहीं लगता, साथ ही में सालन भी बन जाता है। मैंने कहा पहले सालन और बिरयानी बना लेती हूँ और उसके बाद फिर अभी मैंने मुकद्दस का केक भी लेने के लिए जाना था और साथ साथ में ये देखें ना चीज़ें चॉप कर करके रखती जा रही थी और साथ साथ में जी ये बीच में शामिल करती जा रही थी। ठीक है, बिरयानी के प्याज भी हो चुके हैं, इसमें मैंने टमाटर और साथ ही में दही डाल के तो चिकन गलने के लिए रख दिया था और ये बिरयानी का चिकन है, पास्ता भी बॉईल कर लिया था, मतलब हर चीज़ साथ साथ में रेडी करती जा रही थी। ठीक है, तो ये बस जी अब बिरयानी का मैं मसाला बना लूँगी और साथ ही में हमारी बोनलेस हांडी भी तैयार हो जाएगी। मैं आपको ऐसे करती हूँ, क्लिप दिखाती हूँ। ये जी देखें हमारी बोनलेस हांडी, बस अब इसमें हमने क्रीम शामिल करनी है। गेस्ट जब आएंगे ना तो हल्का सा इसमें ना दूध और क्रीम डाल के ना, तो बस इसको ना हमने गर्म कर लेना है। और ये जी बिरयानी का मसाला भी रेडी हो चुका है, ये वाइट सॉस पास्ता, अच्छा ये चिकन वाइट सॉस पास्ता मैं बना रही थी क्योंकि बच्चों को आपको पता है कि पास्ता बहुत ज़्यादा पसंद होता है, ख़ास तौर पे मेरी तो बच्चियाँ बहुत शौक से खाती हैं। तो ये जी बोलने सांडिया, अब इसमें क्रीम डालनी है, मैंने कहा चले मैं आपको उसको फाइनल लुक दिखा देती हूँ। आज ही फ्राइडे था और मलिक साहब घर पे थे और आज तीसरा दिन है, बिल्कुल सरकोता में धूप नहीं निकली और इतनी ज़्यादा ठंड हुई हुई है, इतनी ज़्यादा ठंड हुई हुई है कि मैं कहती हूँ कि कम अज़ कम कॉलेज तो चले, बच्चे बड़े हैं अपना आप संभाल लेते हैं, स्कूलों में तो छुट्टियां होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ठंड है और बच्चे ज़ाहिर जाना है तो बच्चों ने बीमार हो जाना है बाहर इतनी ज़्यादा। बाद जी हम आगे थे सकाफत पे, यूनिवर्सिटी रोड पे, यही वाली सकाफत जो है हमारे घर के नज़दीक पड़ती है तो इसलिए हम यहीं पे ज़्यादा आते हैं। अच्छा ये जी कैडबरी केक है, हैप्पी बर्थडे मुकद्दस लिखवाया है क्योंकि आमना इब्राहिम मुकद्दस यही शौक से खाते हैं केक। और यहाँ से जी मैंने डोनट ले लिए थे, साथ ही मैं बच्चों के लिए क्रीम रोल और साथ में कप केक मैंने पैक करवा लिए थे। मुकद्दस की बर्थडे के हवाले से जो कैंडल वगैरह इस तरह की चीज़ें भी मुझे चाहिए थी वो भी मैंने ले ली थी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी केक की, मैंने कहा नेक्स्ट
टाइम ना, हमने लाजमी कोई और केक ट्राई करना है, ठीक है। और बस चीज़ें वगैरह ली हैं, तो बस एक गड़बड़ी होने वाली थी कि हम डोनट वहीं पे रह गए थे। शुक्र है निकलते निकलते हमें याद आ गए थे कि तीसरा पैकेट नहीं है बीच में ना, तो बस यही सारी चीज़ें वगैरह ली हैं और उसके बाद मैं घर आ गई थी। ये जी वाइट सॉस पास्ता बनाना था और इसमें अब हमने सिर्फ पास्ता ऐड करना है, बाकी ये सारा रेडी है। अच्छा, बिरयानी भी तैयार हो चुकी थी। इसमें इसकी कंडीशन कुछ इसलिए इस तरह की है कि अम्मी को और मैंने मलिक साहब को खाना दे दिया था, उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। और ये जी बोनलेस हांडी भी रेडी है और साथ में रशियन सैलेड, और ये पास्ता हमने बॉयल करके रखा हुआ है। बस जी थोड़ी देरी गुजरी थी तो मुकद्दस की फ्रेंड आ गई थी। हाँ जी हाँ जी, ईमान कितनी माशाल्लाह प्यारी लग रही है। और ये वही वाला जो खाना नहीं दिया था। आप अपने पोल नाना खोलें। प्रो व्हाट्सएप ओपन हुआ हुआ है, व्हाट्सएप ओपन हुआ हुआ है। कोई फर्क नहीं, इनको देखो जरा माँ सत की। अमना इब्राहिम जी बस यहाँ पे केक कट होने का इंतज़ार कर रहे थे कि भाई केक कट हो और उसके बाद जी हम फिर ये क्रीम रोल इब्राहिम को पसंद हैं और कप केक जी अमना को पसंद है, ये बस यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अम्मी भी बैठी हैं देख रही थी, और मलाइका रूशा और साथ में सबा भी आई थी और साथ में ईमान आई थी। अच्छा, ये मुकद्दस की फ्रेंड है, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। अल्लाह पाक बस सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। अल्लाह पाक ने हमें दी हैं, ये भी हमारी खुश नसीबी है कि अल्लाह पाक ने हमें दी हैं और अल्लाह पाक बस इनके नसीब अच्छे करे। बस यहाँ पे कज़न्स आपस में तस्वीरें वगैरह बना रही थी, वीडियो वगैरह शूट कर रही थी, मैंने कहा चलें वो शूट कर लें, थोड़ा सा क्लिप ले लें। मलिक साहब नमाज़ पढ़ रहे थे तो मैंने कहा वो नमाज़ पढ़ लेते हैं तो फिर हम केक कट करते हैं। तुम बोलो हम फॉरवर्ड करते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू करो, वही तो 36 साल की हो गई है। The best part about this birthday is thank you for inviting us. Thank you.
आपको कभी भी आ जाती हमारे घर में टिश्यूज की कमी है, अगर आपको हमारे घर में टिश्यूज की शदीद कमी है लेकिन पैसों की कमी नहीं। वो ऊपर एंटी टिश्यू अगर चाहिए लेने दो। ओ बच्चियों का जी काफ़ी हल्ला गुल्ला करने का प्रोग्राम था, लेकिन मैंने कहा है कि पहले एक दफ़ा आप खाना खा लें तसल्ली से, फिर खाना ठंडा हो जाएगा। बार बार लाइट जा रही थी, फिर गर्म करने का भी आपको पता कुछ चीज़ें बंदा दिशकी में गर्म नहीं भी कर सकता, फिर माइक्रोवेव चलाना पड़ता है। तो बस माशाल्लाह बहुत समझदार हैं, आराम से आई हैं, बैठी हैं, खाना अपनी पसंद से उन्होंने बहुत अच्छे से खा लिया था। मुकद्दस जी की जी आज बर्थडे थी, सबको पूछ रही थी, सबको सर्व कर रही थी खाना साथ साथ में, और माशाल्लाह बच्चियाँ बहुत ज़्यादा खुश थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था और खाना सब ने बहुत शौक से खाया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारी कोशिश की थी कि सभी चीज़ें मैं घर पर ही बना लूँ ताकि बच्चे खा भी लें। मलिक साहब और अम्मी को आमना इब्राहिम को खाना मैंने पहले दे दिया था क्योंकि अब 5:30 बज रहे थे, बहुत ज़्यादा देर हो रही थी, उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी, सुबह का उन्होंने नाश्ता किया हुआ था, तो इसलिए वो यहाँ पे नहीं बैठे हैं। और बस मैंने कहा चलें बच्चियाँ आपस में ही लगी रहेंगी, और मैंने खुद कुछ नहीं था खाया इसलिए मैं भी साथ में बैठ गई थी। और बस जी खाना शाना इधर से हमने खाया, खाना खाने के बाद फारिग होने के बाद फिर जी थी बारी मीठे की। मैंने इनको कहा है कि केक वगैरह कप केक हर चीज़ रखी हुई है, जो जो आपने लेना है वो ले लें। और ईमान के जी घर से कॉल आ रही थी कि भाई पापा कॉल कर रहे हैं, तो मैंने कहा मेरे बच्चे आप देख लो जैसे आप इजी हो, आपने बैठना है बैठे रहो, आपने जाना है तो आपकी अपनी मर्जी है। और जी यहाँ पे ये बैठी हैं कज़न्स, और यकीन करें जिस तरह ये बातें कर रही थी और हंस हंस के इनका बुरा हाल हो रहा था। और बस जी हल्ले गुल्ले से ये फारिग हुई हैं, और फिर राजदा की कॉल आ गई थी, कह रही थी मैं इनको लेने के लिए आ रही हूँ, भाई बशीर और राजदा आ गए थे। अच्छा जो सबा है वो भी साथ ही में, बिल्कुल राजदा के घर के बिल्कुल साथ ही में घर है, वहीं पे रहती है, तो सबा ने भी कहा था कि फूफो मैं भी आपके साथ ही आ जाती हूँ। और बस जी फिर राजदा आई है तो चाय वगैरह बनाई है और केक वगैरह और इस तरह की चीज़ें, रशियन सैलड वगैरह हर चीज़ रखी है। खाने का मैंने पूछा था तो राजदा कह रही थी कि नहीं हम खाना घर से खा के आए हैं तो बस चाय हम पियेंगे। तो जी मुकद्दस की इतनी फ्रेंड तो नहीं थी आई, जाहिर है एग्जाम होने वाले हैं बच्चों के और पेरेंट्स ने वैसे भी इजाजत नहीं थी देनी, और अगर एग्जाम के खत्म होने का अगर हम वेट करते तो 25 तारीख को इनका लास्ट पेपर है, तो इस हिसाब से बहुत ज्यादा लेट हो जानी थी। तो मैंने इसीलिए कुछ दिन पहले ही रखा था, मैंने कहा 2-3 घंटे तो बंदा आराम से निकाल ही लेता है, ठीक है, तो इसमें तो इतनी देर में तो बैठ के बच्चे मोबाइल भी यूज कर लेते हैं। तो मैंने कहा चले जो मुकद्दस की फ्रेंड आएंगी, और मुकद्दस की फ्रेंड्स ही और कजन्स को ही मैंने बस बुलाया हुआ था, और तो मैंने किसी को भी नहीं था बुलाया। मैंने कहा चले बच्चियां जरा मिलके ना तो एंजॉय कर लेंगी, तो चले फिर भी मुकद्दस की फ्रेंड आई थी और साथ में उनका भी क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया है, मलाइका और उषा सबा आई हुई थी, माशाल्लाह इन्होंने बहुत ज्यादा फन किया, बहुत ज्यादा इन्होंने एंजॉय किया। बस यही होता है बच्चों की छोटी छोटी खुशियां होती हैं, तो माशाल्लाह अच्छी होगी थी मुकद्दस की बर्थडे और घर पे होगी थी और बहुत ज्यादा इन्होंने एंजॉय किया था। तो चलें आप भी देखिएगा वीडियो और बस मुकद्दस के लिए दुआ कर दीजिएगा कि अल्लाह पाक बस इसकी लंबी जिंदगी करे, इसको कामयाबियां दे और बस हर इम्तिहान में बस कामयाब करे।
आमीन सुम्मा आमीन। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ कि आज की भी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलूंगी मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।